मॉनसून का मौसम चल रहा है, हर घर में पकौड़े, समोसे, वड़ा पाव की बहार आई हुई है, लेकिन ये सारी चीज़ें बिना एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के बहुत ही अधूरी लगती हैं, तो वो है हमारी चटनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ धनिया पुदीना की एक बहुत ही अच्छी सी चटनी, जो आपका वड़ा पाव हो या पकौड़े, कांदा भजिया, वड़ा पाव, इन सारी चीज़ों का स्वाद 2 गुना 4 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ा देंगे। तो आज जब बाजार गई तो वहाँ पे मिल रही थी ये धनिया पत्तियाँ और बहुत ही अच्छे ये पुदीना की पत्तियाँ। हालांकि बरसात में बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे दिख गए तो मैंने ले लिए। तो धनिया मुझे मिला 20 रुपये गड्डी और पुदीना मिला 10 रुपये गड्डी। बहुत ही सस्ते धनिया और पुदीना देख के मैंने इनको लेने का मन बना लिया। तो अब ज़्यादा बिना बकबक किए हुए चलिए आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही फ्रेश धनिया पुदीना की पत्तियां हैं, जिसे मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है, क्योंकि बरसात का मौसम है, इसमें काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई मिलती है। तो यहाँ पे ये हैं धनिया की पत्तियां, एकदम देखिए कितनी ताज़ी हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है पुदीने के पत्तियाँ। तो धनिया और पुदीने की जो पत्तियाँ हैं वो एकदम बराबर मात्रा में लेंगे, तभी आपकी रेस्टोरेंट या ढाबा स्टाइल ये हरी चटनी बन के रेडी होगी। उसके बाद लेते हैं कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पे ले ली हैं लहसुन की कलियाँ करीब 20 से 25, 4 इंच अदरक के टुकड़े और करीब 20 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें जी भर के ले लिया है। और वैसे भी चटनी यदि स्पाइसी ना हो, तीखी ना हो, तो चटनी का मज़ा नहीं आता है। तो चलिए आगे की चीज़ें बताती हूँ। एक ले लिया है यहाँ पे मिक्सी का जार। यहाँ पे हम डाल देंगे जो हमारी धनिया की पत्तियाँ हैं, वो कुछ इस तरीके से धनिया की पत्तियाँ डाल दें। नहीं एडजस्ट हो रहे हैं तो इनको कट करके भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ ये हो गई पुदीने की पत्तियाँ। ये जो 4 इंच अदरक लिए थे ना, उसको भी डाल देंगे। साथ ही साथ ये लहसुन की कलियाँ। चटकारापन लाने का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ये हरी मिर्चें। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। नमक के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोई भी भुजिया सेव। तो यहाँ पे इसमें जाएगा 2 चम्मच भुजिया सेव। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। भुजिया सेव यदि नहीं है आपके पास तो नायलॉन सेव का इस्तेमाल करें, वो भी नहीं है तो भुने हुए चने के दाने डाल दें इसमें। अब क्या करेंगे, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो जब आप इसका एक पेस्ट बनाएं तो ध्यान रखें, यदि आपको ज़रूरत लगती है, लगता है कि मॉइस्चर कम है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, यानी कि 2 से 3 चम्मच पानी आप ऐड कर लें, नहीं तो चटनी बहुत पतली हो जाएगी। और यदि आप बहुत सूखा मिक्सचर रखेंगे तो चटनी एकदम पिसने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखें, जिस हिसाब से आपका मटीरियल है उस हिसाब से पानी ऐड करना या स्किप करना आप डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारी चटनी बनके रेडी हो गई है। एक इंग्रेडिएंट इसमें और डालना रह गया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद तेल को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसे एक जार में खाली कर देंगे। यकीन मानिए महक इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, एकदम चटपटी सी। जैसे ही आप सैंडविच या पाव भाजी के ठेले पे जाते हैं ना, वड़ा पाव के ठेले पे जाते हैं, तो बस जहाँ पे वहाँ पे एकदम चटकीली चटकीली चटाकेदार महक आती है ना, बस वैसी महक आ रही है। एक बार बना के देखिए, आपकी सारी रेसिपीज़ का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।